उस्मा आरिफ। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। ग्रेटर टोरंटो एरिया के कुछ हिस्सों के लिए मौसमी सर्मा के लिए सफरी एडवाइजरी जारी। शहर में बर्फबारी के साथ तेज हवाएं चलने का भी इम्कान। सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में बर्फानी तूफान से निजामी जिंदगी मुतासिर। अल्बर्टा के साथ लड़ाई नहीं चाहते। कैनेडियन वजीरे आजम का कहना है कि हम अल्बर्टन के लिए डिलीवर करने के लिए वहां मौजूद रहना चाहते हैं। अल्बर्टा के शहरी सूबाई हुकूमत के इकदाम से नाखुश हैं। टोरंटो की गलियों में लगे कचरे के ढेर से हुकाम की मुश्किलात में इजाफा। शहर को वबाई अमराज से मुतालिक बजट में 800 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमी का सामना। नए सूबाई कानून से मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। चीन ने भारत को अमेरिका के साथ मुश्तरका जंगी मशकों पर खबरदार कर दिया। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि मुश्तरका जंगी मशकें भारत की जानिब से सरहदी मुहाइदे की खिलाफ वर्जी हैं। चीन दूसरे ममालिक के लिए कोई खतरा या चैलेंज नहीं है। अफगानिस्तान में मदरसा धमाके से लरज उठा। 10 तुलबा समेत 15 जा बहक। धमाके की जिम्मेदारी फिलहाल किसी गिरोह ने कबूल नहीं की। दाइश का सरबरा अबुल हसन अल हाशमी अल कुरैशी शाम में मारा गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. ग्रेटर टोरंटो एरिया के कुछ हिस्सों के लिए मौसमी सर्मा के लिए सफरी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बर्फबारी की वजह से हद निगाह कम होने की वार्निंग दी गई है। तफसीला जानते हैं इस रिपोर्ट में। ग्रेटर टोरंटो एरिया के कुछ हिस्सों के लिए मौसम सर्मा के लिए सफरी एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें बर्फबारी की वजह से हद निगाह कम होने की वार्निंग दी गई है। एनवायरमेंट कनाडा ने कहा कि टोरंटो, पील रीजन और हॉलिटन रीजन में जुमेरात की सुबह तक 2 से 4 सेंटीमीटर तक बर्फ पड़ सकती है। एनवायरमेंट कनाडा का कहना है कि टोरंटो के बाशिंदों को बुध की रात से जुमेरात के अवायद तक शदीद बर्फबारी के लिए तैयार रहना चाहिए, जबकि शहर में बर्फबारी के साथ तेज हवाएं चलने का भी इम्कान है। विफाकी मौसमियाती एजेंसी का कहना है कि शहर में 2 से 4 सेंटीमीटर शदीद बर्फबारी और बाज़ औकात नुमाया तौर पर हद निगाह कम होने की तवक्को की जा सकती है। ये गाड़ी चलाने वालों पर जोर दे रहा है कि वो मौसम सर्मा में ड्राइविंग के मुश्किल हालात की तवक्को करें और अगर ज़रूरत हो तो अपने मंसूबों को तब्दील करें। एनवायरमेंट कनाडा ने कहा कि मौसम में अचानक तब्दीली की वजह से सफ़र खतरनाक हो सकता है। पेशन गोई के मुताबिक 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज़ हवाओं के साथ बर्फानी तूफानों के नतीजे में बर्फबारी होगी। एनवायरमेंट कनाडा ने कहा कि तूफान और तेज हवाएं जुमेरात के अवायल में कम होने से पहले रात भर जारी रहने की तवक्को है। दूसरी जानिब एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में शदीद बर्फबारी के बाद शहरियों को सफर के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का मशवरा दिया गया है। मौसम की पहली बड़ी बर्फबारी के बाद बीसी के ज़ेरी मेनलैंड में हजारों मुसाफिर अपनी गाड़ियों में घंटों फंसे रहे। कुछ ड्राइवर मुश्तैद और थके हुए बुध की सुबह तक हाईवे 91 के एक मशरकी हिस्से पर रातों रात फंस गए थे, जो वैंकोवर के बिल्कुल जुनूब में न्यू वेस्ट मिनिस्टर डेल्टा और रिचमंड को जोड़ने वाला एक बड़ा मुसाफिर रास्ता है।
कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि वो अल्बर्टा की हुकूमत के साथ किसी तनाज़े में नहीं पड़ना चाहते। तफ़सीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि जबकि वो अल्बर्टा के साथ लड़ाई नहीं चाहते, वफाकी हुकूमत जब अल्बर्टा के प्रीमियर डैनियल स्मिथ के नए खुद मुख्तारी एक्ट का जवाब दे सकती है तो वो मेज से कुछ नहीं हटा रही है। हम जानते हैं कि अल्बर्टा की प्रीमियर मुकन्ना को नज़रअंदाज करते हुए अल्बर्टा हुकूमत को जो गैर मामूली इख्तियारात देने का इंतखाब कर रही हैं अल्बर्टा में बहुत से लोगों के लिए तश्वीश का बाइस बन रहे हैं। ट्रूडो ने लिबरल कॉक्स के इजलास में जाते हुए सहाफियों को बताया कि ट्रूडो ने कहा, हम ये देखने जा रहे हैं कि ये कैसे होता है, मैं मेज से कुछ नहीं उतारने जा रहा हूं, लेकिन मैं लड़ाई की तलाश भी नहीं कर रहा हूं। हम अल्बर्टन के लिए डिलीवर करने के लिए वहां मौजूद रहना चाहते हैं। मंगल के रोज स्मिथ ने मुकन्ना में खुद मुख्तारी के अंदर एक मुतहदा कनाडा एक्ट मुतारिफ कराया जिसने अपनी काबीना को सूबाई कवानीन को दोबारा लिखने के लिए नए इख्तियारात देने की तजवीज़ पेश की। इसके लिए कानून साजी किए बगैर अल्बर्टन को यकीन दिलाने की कोशिश की कि उसका कनाडा छोड़ने से कोई ताल्लुक नहीं है। स्मिथ ने नामा निगारों को बताया कि वफाक की बदसलूकी और आईनी हद से तजावुज़ की एक तवील और तकलीफ दे तारीख कई दहाइयों से अल्बर्टन के लिए जबरदस्त मायूसी का बाइस है। जवाब में हम आखिरकार वफाकी हुकूमत से कह रहे हैं, मजीद नहीं, ये अल्बर्टा के लिए खड़े होने का वक्त है। ट्रूडो का कहना था कि जाहिर है हम इसको बहुत करीब से देखेंगे और मुज़ामिरात के बारे में सोचेंगे। ट्रूडो ने कहा, लेकिन हम पहले ही बहुत से अल्बर्टन्स को हकीकी तश्वीश का इजहार करते हुए देख रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले हफ्तों और महीनों में जाहिर होने वाली हैं। टोरंटो की गलियों में लगे कचरे के ढेर ने हुकाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। दीगर अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो की गलियों में लगे कचरे के ढेर ने हुकाम की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। टोरंटो के इलाके की सड़कों पर गैर कानूनी तौर पर कचरे के ढेर लगने की इत्तला है। शहरी हुकाम का कहना है कि वो उसे साफ करना चाहते हैं, लेकिन वबाई अमराज से बजट के दबाव और म्यूनसिपल रेवेन्यू को कम करने वाला एक नया सूबाई कानून उनके मंसूबों को ज़ाया कर सकता है। टोरंटो शहर को वबाई अमराज से मुतालिक बजट में 800 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की कमी का सामना है और बहुत से शहर महसूलात के नुकसान के बारे में फिक्रमंद है। एक तंजीम ने 10 सालों के दौरान 5.1 बिलियन डॉलर का तखमीना लगाया। म्यूनसिपल हुकाम को यकीन नहीं है कि मुस्तकबिल क्या है। टोरंटो की काउंसिलर और शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर और माहौलियात कमेटी की सरबरा जेनिफर मैक कैलमी का कहना है कि हम अभी भी बिल 23 के असरात को देख रहे हैं। हम सब इसके बारे में बहुत परेशान हैं। हमें अपने शहर में आमदनी के मजीद टूल्स की हिमायत जारी रखने की ज़रूरत है। उनका कहना था कि हम जानते हैं कि वबाई मर्ज से निकलते हुए हमारे पास बजट की बहुत ज़्यादा कमी है और इस बात को यकीनी बनाने की ज़रूरत है कि वो बुनियादी खिदमात जो बहुत अहम है, जैसे कि कूड़े की सफाई, गैर कानूनी डंपिंग को उठाना, वो सब कुछ होने की ज़रूरत है। लिहाजा हम सब बिल 23 को बहुत करीब से देख रहे हैं। शहर का अमला इस बात की तहकीकात करे कि क्या हो रहा है और इसे हल निकाले जो कूड़े को कम कर सकें। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि पब्लिक रोड वेज पर कचरे की 311 शिकायत 2018 में तकरीबन 300 से बढ़कर इस साल 750 से ज़ायद हो गई। इसके साथ ही उन गैर कानूनी डंपरों को कम सज़ा मिल रही है। पिछले दो में चार्जेस सालाना 22 से कम होकर सिर्फ एक साल रह गए हैं। इसकी वजह यह है कि अहदेदारों को दूसरी मुलाजमतों के साथ दोबारा काम सौंपा गया था। चीन की वजारत खारजा के तर्जमान ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि चीन को भारत की अमरीका के साथ मुश्तरका मशकों पर तहफ़ुज़ात हैं। भारत को अपने तहफ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीन ने भारत को अमरीका के साथ मुश्तरका जंगी मशकों पर खबरदार कर दिया। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ली जियान ज़ाओ ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि चीन को भारत की अमरीका के साथ मुश्तरका मशकों पर तहफ़ुज़ात हैं। भारत को अपने तहफ़ुज़ात से आगाह कर दिया है। तर्जुमान का मजीद कहना था कि भारत अमरीका के साथ जंगी मशकें करेगा तो चीन के साथ उसके बाहमी एतमाद में इजाफा नहीं होगा। भारत की अमरीका के साथ मुश्तरका मशकें चीन के साथ किए गए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल माहदे के खिलाफ वर्जी हैं और माहदे की रूह के खिलाफ हैं। भारत और अमरीका की जंगी मशकें उत्तराखंड में चीन की सरहद के करीब की जा रही हैं। चीन की वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका अपने जौहरी हथियारों को बढ़ाने के लिए चीन को खतरे के तौर पर पेश कर रहा है। चीनी वजारत खारजा का कहना है कि हम कभी भी हथियारों की दौड़ का हिस्सा नहीं है, जबकि चीन दूसरे ममालिक के लिए कोई खतरा या चैलेंज नहीं है। बीजिंग का कहना है कि चीन ने स्ट्रेटेजिक हथियारों को कौमी सलामती के लिए मतलूबा सतह तक महदूद किया है। वाज़ह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ अमरीकी महकमा दिफा ने कहा था कि 2035 तक चीन के जौहरी हथियारों की तादाद 3 गुना से ज़ायद 1500 तक पहुँच जाएगी।
अफगानिस्तान के शुमाली शहर ऐबक के एक मदरसे में बुध को होने वाले धमाके में कम से कम 15 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। तफसीलात जानने के लिए देखते हैं ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान के शुमाली शहर ऐबक के एक मदरसे में बुध को होने वाले धमाके में कम से कम 15 अफराद हलाक और 24 जख्मी हो गए। तालिबान की अबूरी हुकूमत से वाबस्ता उमूर दाखला के तर्जुमान अब्दुल नफी ताकोर ने कहा है कि समनगान के मरकज में वाक़ ऐबक नामी कस्बे में मौजूद मदरसे में नमाज जहर के दौरान शदीद धमाका हुआ जिसमें 10 तलबा समेत 15 अफराद जाबहक और मुतादिद जख्मी हो गए। धमाके की जिम्मेदारी फिलहाल किसी गिरोह ने कबूल नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत काबुल से तकरीबन 200 किलोमीटर शुमाल में वाकया ऐबक में एक डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि जाबहक होने वालों में ज्यादातर नौउम्र लड़के थे। उन्होंने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि ये सब बच्चे और आम लोग हैं। एक सूबाई अहलकार ने मदरसे में होने वाले धमाके की तस्दीक की, ताहम वो हलाकतों के आदाद शुमार फराहम नहीं कर सके। तालिबान ने कहा कि धमाके में 10 तलबा हलाक और मुतादिद जख्मी हुए हैं। वजारत दाखला के तर्जुमान ने ट्वीट किया कि हमारी जासूसी और सिक्योरिटी फोर्सेज इस नाकाबिले माफी जुर्म के मुर्तकिब अफराद की शनाख्त और उन्हें उनके आमाल की सजा देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। याद रहे कि गुज़िश्ता साल अगस्त में तालिबान के दोबारा इक्तदार में आने के बाद से अब तक दर्जनों धमाके और दहशतगर्दी के हमले हो चुके हैं जिनमें से ज्यादातर जिम्मेदारी दाइश के मकामी ग्रुप ने कबूल की है। दूसरी जानिब आलमी दहशतगर्द तंजीम दाइश का सरबरा अबुल हसन अल हाशमी अल कुरैशी शाम के सूबे दरआ में मारा गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दाइश का सरबरा एक ऑपरेशन के दौरान मारा गया जिसकी अमरीका ने तस्दीक कर दी है। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैग टीवी।